यीशु पर नहीं आए, ये हाथ जोड़ गया सभी से प्रार्थना रिक्वेस्ट है। बाद में फोटो करा लेना। आज इस महिला हरी चुनरी की शुरुआत करती हुई सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे जिले की महिलाओं की कप्तान बहन चित्रा जी, वो आए और सबका स्वागत करें। आदर के योग्य महिलाओं की आन बान शान पूरे हरियाणा की ताकत बहन नैना चौटाला जी और शीला बहन, जिसने नारी को नारी से जोड़कर प्रदेश में एक नारी शक्ति को नया बढ़ावा दिया है, उनका यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दूसरा, पार्टी के सभी पदाधिकारी राजाराम ठाकुर राजाराम जी, बलदेव अलावलपुर जी, अरविंद भारद्वाज जी, तेजपाल डागर जी, धर्मवीर तेवतिया जी और युवा शक्ति जितनी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, जितना पदाधिकारियों ने मुझे प्रोत्साहित किया है उनकी मैं हर तहे दिल से आभारी हूँ। और पिथरा हल्का की आन बान शान महिला शक्ति शशि बाला देवतिया जी की मैं बहुत आभारी हूँ, जो मुझे कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं आज सब जगह जगह से आई हुई इस मातृ शक्ति को सम्मान करती हूँ, तहे दिल से उनका आदर करती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा नारी शक्ति का शोषण बीजेपी सरकार ने किया है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, बेटी बचाओ ये कहते हैं, बेटी बचाओ, हम रोजाना बेटियों के बीच में जाते हैं, जैसे बेटियों का सत्यानाशी सरकार ने किया है शायद ही कोई सरकार करे। और जो पद जो प्रतिष्ठा मुझे नैना जी ने दी है, मैं एक साधारण से परिवार की लेडी हूँ और मुझे आज इस मान सम्मान के साथ यहाँ बिठाया है। मैं नैना जी आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं तन मन धन से अपनी ताकत से भी ज्यादा इस पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग तन्मयता से लगन से इनके साथ हमेशा रहूंगी और दुष्यंत चौटाला जी के हाथ हमेशा मजबूत करेंगे। मैं सिर्फ एक बात अपने पुरुष प्रधान समाज से कह देना चाहती हूँ, बेटियों का मान होगा विश्व का कल्याण होगा। बेटियां इस देश की समृद्धशाली शक्ति हैं, इनकी सेवा और पूजा ही हमारी भक्ति है। इस बात का जब ज्ञान होगा विश्व का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। दो बातों में मैं और अपनी बात समाप्त कर देना चाहती हूँ, जननायक की पगड़ी है ये मामूली सी बात नहीं, जननायक की पगड़ी है ये मामूली सी बात नहीं, जगमग जगमग इसे रखेंगे लगने देंगे दाग नहीं, लगने देंगे दाग नहीं। मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ पलवल जिले की महिलाओं की कप्तान, मेरी साथी बहन और महिलाओं को योगा के लिए प्रेरित करने के लिए, आइए बहन लता भारद्वाज। श्रीमती नैना चौटाला जी और उनके साथ में आई हुई हमारी बड़ी बहन प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला बहन जी, हरिचंद्र चौपाल के अध्यक्ष श्री राजेंद्र लतानी जी और जिले के प्रधान श्री राजाराम ठाकुर राजाराम जी, बहन शशिवाला तेवतिया जी, बहन चित्रा मैन जी और बहुत ही कर्मठ भाई बलदेव अलावलपुर जी, भाई अरविंद भारद्वाज जी एवं सम्मानित मंच सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मेरे सामने बैठी हुई सभी मातृशक्ति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतनी गर्मी के मौसम में आकर हम
हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी बहन श्रीमती नैना चौटाला जी के स्वागत में आकर आपने जो अपने समय का योगदान दिया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको यह विश्वास दिला देना चाहती हूँ अगर हमारी जननायक जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी बहन श्रीमती नैना चौटाला जी आप लोगों के बीच में ऐसे ही आती रहेंगी और आपको प्रोत्साहित करती रहेंगी, आपके लिए कोई ना कोई नई योजना लेकर आपके सामने आती रहेंगी और आपका हौसला बढ़ाती रहेंगी। मैं आगे ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ श्रीमती चंद्री देवी जी। हरी चंद्री चौपाल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चौधरी नैना चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष शीला बयान जी, शशि बाला जी, बलदेव अलावलपुर जी, सभी सम्मानित मंच में यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित मेरी सभी बहनों से यही अपील है करती हूँ कि आप सभी दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुट जाएं, क्योंकि यह चुनाव दुष्यंत और खट्टर के बीच होगा। जय हिंद, जय हरियाणा। जिन्होंने अभी अपने विचार रख के और भाई दुष्यंत जी को आशीर्वाद दिया, ये चौधरी गोयाला जी की धर्मपत्नी है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ अपने अजीज भाई कुलदीप तेवतिया जी को। बहुत वे मान व सम्मान के योग हमारे जजपा पार्टी से आज हरिचंद्र चौपाल के तहत हमारे मुख्य वक्ता श्रीमती नैना चौटाला जी, उनके साथ में आए हुए प्रदेश अध्यक्ष शीला बयाना जी, वे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेरी बड़ी बहन शशि बाला तेवतिया जी और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं और दूर दराज पूरे जिले के हलकों से दूर दराज से आए हुए मेरे तमाम मातृशक्ति सभी को यहाँ पर पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदना करता हूँ। मैं पुनः नैना चौटाला जी का यहाँ पर पहुंचे अपने जिले में पहली बार पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई तेजवाल डागर जी को। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डब्बाली की विधायक श्रीमती नैना चौटाला जी, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष शीला बहान जी, हरी चुन्नी चौपार के प्रभारी राजेंद्र लेतानी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई बलदेव अलावलपुर जी, जिले के अध्यक्ष ठाकुर राजाराम जी, शहरी अध्यक्ष अरविंद सरदारा जी, शशिवाला तेवतिया जी, हलके के अध्यक्ष भाई कुलदीप तेवतिया जी, अमर नरवत जी, जगजीत वालिया जी और बुजुर्गों और नौजवान साथियों, प्रदेश के प्रवक्ता भाई अरविंद भारद्वाज जी, धर्मवीर तेवतिया जी, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपने 10 साल पहले कांग्रेस का राज देखा था, अब 4.5 बीजेपी का राज देखा है। इसमें हर वर्ग दुखी है, महिला हो, व्यापारी हो, किसान हो, हर वर्ग को महसूस हो रहा है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। आने वाला समय आपका है, जननायक जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो महिलाओं की 55 वर्ष की उम्र में बुढ़ापा पेंशन होगी, बुजुर्गों की 58 वर्ष में पेंशन होगी और युवाओं को 75% भागीदारी होगी। इसी के साथ मैं सभी का यहां पहुंचने पर अपनी तरफ से जननायक जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय जननायक। मैं आमंत्रित करती हूं अपने छोटे भाई कुलदीप तेवतिया जी। हमारे यहां पर आई
बड़ी बहन नैना चौटाला जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष ठाकुर राजाराम जी, वे हमारे शहरी के जिला अध्यक्ष अरविंद सरदाना जी, वह सम्मानित मंच, मेरे सभी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये भी आपने सुना भी होगा, पिछले इन दिनों में जो 10 दिन हमारे गए हैं, हमारे 5 युवाओं को गोली मार दी गई। तो इस तरह की सरकार जो गुंडागर्दी करवा रही है, क्या इस तरह की सरकार को आप चाहेंगे? क्या इस तरह की सरकार को आप चाहेंगे जो कि जातिवाद का इलेक्शन लड़ रही है, जातिवाद फैला रही है? मैं तो अपनी सभी माताओं बहनों से, मेरे बुजुर्गों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे दुष्यंत भाई की जो सोच है, जिस तरह पेंशन, जो बुढ़ापा की पेंशन है वह 55 साल की उम्र में दी जाएगी, जो आज 60 साल कर रखी है, और जेंट्स की जो है 58 साल की उम्र में पेंशन दी जाएगी। तो इस तरह के सोच, इस तरह की युवाओं को लेकर आए, दुष्यंत भाई की सरकार को बनाए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवाओं के नए जिला अध्यक्ष बने हैं भाई लखन बेनीवाल जी, शहरी जिला अध्यक्ष। धन्यवाद बहन जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग डबवाली से विधायक माता नैना चौटाला जी, उनके साथ मंच की शोभा बढ़ाए प्रदेशाध्यक्ष बहन शीला बहन जी, पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र लितानी जी, जिले को बड़े तरीके से चला रहे मेरे बड़े भाई ठाकुर राजाराम जी, महिलाओं की शक्ति बहन शशिवाला तेवतिया जी, भाई बलदेव अलावलपुर जी, भाई अरविंद सरदाना जी, भाई अरविंद भारद्वाज जी, डॉक्टर साहब के बहुत पुराने साथी मेरे बड़े भाई राजा चौधरी जी, सुरेंद्र अत्री जी, तेजपाल डागर जी, बेगराज डागर जी, अनिल भाटी जी, सचिन कौशिक जी, अमर दलाल जी, धर्मवीर तेवतिया जी, कुलदीप तेवतिया जी, अमन नरवत जी, जगदीप बालिया जी, जग्गी मेंबर जी, अनिल खुटेला जी, संदीप कपासिया जी, नागेश तेवतिया जी, हाथावाजादा जी, पत्रकार छायाकार साथीगण, इतनी भारी संख्या में बड़ी देर से इंतजार कर रही मात्र शक्ति, मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज सबसे पहले तो मैं माता नैना चौटाला जी का मोहना की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं, और विश्वास और भरोसा दिलाता हूं जो ये आदेश दे करके जाएंगे उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय जयपी। अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने युवा ग्रामीण अध्यक्ष भाई अमर दलाल जी को। आज के हरिचुंडी चौपाल की मुख्य अतिथि माता नैना सिंह चौटाला जी, और हमारी महिलाओं की शक्ति को ऊपर ले जाने में, हरियाणा प्रदेश में अहम भूमिका निभाने में बहन शीला बयाना जी, और सम्मानित मंच, मैं तो अपनी माता बहनों से और बुजुर्गों से सिर्फ इतना ही कहूंगा, समस्या गिनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाबी का बटन दबाए और सभी समस्याओं का अंत कराए, और दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाए, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, चाहे बेरोजगारी है, चाहे करप्शन है, और चाहे वो हत्याएं हो रही है, और चाहे भ्रष्टाचार है, कुछ भी है, चाहे किसानों की समस्या, सबका अंत सिर्फ चाबी का बटन दबा के करें। धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता और डॉक्टर अजय सिंह जी के साथी भाई धर्मवीर तेवतिया जी। आदर व सम्मान के योग हरिचुंदी चौपाल की मुख्य अतिथि बहन नैना चौटाला जी, मैं ये कहूं कि हरियाणा के पूरे महिला नारी का जो आवाज उठाने वाली बहन नैना चौटाला जी ने एक बीड़ा उठाया हुआ है पिछले 1.5 साल से, उसमें महिला को इतना जागृत किया है कि उसका कोई मोल नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे कुछ साथी ऐसे बीच में बैठे रहे जो एक गद्दार की भूमिका जिन्होंने निभाई और हमारी पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान भी किया। मैं गलती चाहूंगा कि मैंने संबोधन में बहन शीला बयान जी, हमारे प्रदेश की अध्यक्ष
बहन शशिबाला जी, बहन चित्रा नैन जी, जिला की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजाराम ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र सरोज जी, भाई तेजपाल डागर जी, भाई बलदेव तेवतिया जी, भाई मोहना के सुरेंद्र अत्री जी किसान सेल के, और हमारे धनखड़ जी, राजेंद्र लितानी जी जो इस प्रभारी हैं चुंदरी चौपाल के, और मैं सबसे ज्यादा तो उनका सम्मान करता हूं जिन साथियों ने महिला लाने में अहम भूमिका निभाई, जिनका नाम लूंगा तो समय लगेगा, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मोहना गांव से जिन्होंने हमारी जिनसे महिलाएं यहाँ बैठी हैं, साथी बैठे हैं, हमारे कनिष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, पानी से हवा से सब तरह से सेवा कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं मोहना निवासियों का भी। साथियों, ये सरकार दो मुद्दे लेके आई थी, एक अयोध्या का और एक धारा 370। वो मुद्दा अयोध्या का 30 साल चल रहा है और धारा 370 अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस बैरी गूंगी लंगड़ी लूली क्राइम जिन्होंने पूरे हरियाणा को 3-4 बार जला दिया, इसको हम सहन करने की क्षमता में नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी विदा किया जाए। इसलिए आप सब मन बना के यहाँ बैठे हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी का जो भी कैंडिडेट हो अपनी मोहर लगा के उसे विजय बना के भेजे, तभी जो बहन नैना चौटाला जी जहाँ आए हैं उनका आने का मकसद पूरा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने छोटे भाई अरविंद भारद्वाज जी को। आदर और सम्मान के योग, हरियाणा प्रदेश में महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली और हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की पूरे देश में पहचान बनने वाली डबवाली की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष शीला बहन जी का फरीदाबाद पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं मैं पूरे जिला फरीदाबाद की तरफ से। यहां मौजूद जिला अध्यक्ष ठाकुर राजाराम जी, अरविंद सरदाना जी, मंच संचालन कर रही बहन शशिबाला तेवतिया जी, चित्रा नैन जी, बलदेव लालपुर जी, तेजपाल जी, सचिन जी और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ नेतागण, क्योंकि समय कम है, हमारी माताएं बहनें बहुत लंबे समय से बैठी हैं और सिर्फ नैना चौटाला जी को सुनने के लिए आज वो आई हैं, तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि माता जी, आंटी जी, आपके पीछे जिस तरह से हरियाणा प्रदेश चाहे जींद हो, हिसार हो, सिरसा हो, वहां की महिलाएं रही, इसी तरह से आज आपके साथ फरीदाबाद जिले की पृथला हल्के की महिलाएं भी आपके साथ खड़ी हैं, और जैसे आपने उन पुराने वाले विरोधियों की चोटी में पसीना निकाल दिया था, आपसे यही विनती और निवेदन है फरीदाबाद का और पृथले का भी, ये खट्टर साहब की चोटी में भी पसीना आपके निकाल के दिखा दो। माता जी आपके साथ हम बच्चे भी आपके पीछे खड़े हैं और ये माताएं बहने भी आपके साथ खड़ी है। आप सबका, जो माताएं बहने बड़ी संख्या में आई और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इन सबको लेकर आए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नारा मेरे साथ लगा ले, एक नारा बस, धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ अपने शहरी जिलाध्यक्ष बड़े भाई अरविंद सरदाना जी। धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारी डबाले की विधायिका, महिलाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज जोश उठाने के लिए, और हमारी प्रदेश अध्यक्ष शीला बहन जी का मैं फरीदा पहुंचने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने हमारी जिले की मीटिंग कामयाब करा रहे हैं, उन माताओं बहनों का, साथियों का, सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों ने बहुत अच्छा समय दिया। हमारी जो विधायिका जी हैं नैना चौटाला जी, आप उनका विचार सुने, महिलाओं की आवाज बहुत तरीके से बताएंगी, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्व में जिला पार्षद रहे ऋषि मोहना गांव से बड़े भाई सुरेंद्र मोहना जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नैना चौटाला जी, प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती शीला बयान जी, और महिला चुनरी चौपाल के प्रभारी श्री राजेंद्र लितानी जी, और जिले की पूरी टीम पदाधिकारीगण, महिलाएं और समस्त मातृशक्ति, यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपसे
बस एक ही विनती करता हूं कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के अंदर दुष्यंत चौटाला जी जिस भी आदमी को टिकट देकर भेज दें उस आदमी की मदद करनी है, उसे जिताकर भेज दो। यही मेरी आपसे अनुरोध है, यही अपील है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने बड़े भाई और पिछला हल्के के हल्का अध्यक्ष भाई जगवीर जगमोहना जी। मंच पर विराजमान नैना चौटाला जी और प्रदेश की अध्यक्ष शीला भयान जी और राजेंद्र लतानी जी जो अपने हरी चुंदरी चौपाल के वो हैं प्रभारी हैं, और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भाषण देना मैं नहीं जानता, मैं पहली बार आज माइक पे खड़ा हुआ हूँ। ये जो दुष्यंत जी आपके सेवा के लिए जो आए हैं ये इस प्रकार आए हैं जैसे कि किसी जमाने में माता देवकी जी ने कृष्ण भगवान को जन्म देकर जनता की भलाई के लिए भेजा था, आज उसी प्रकार से आपके बीच में उसी भांति नैना जी ने पान पनोस कर आपके पूरे हरियाणा की झोली में आपके दुखों को खत्म करने के लिए दुष्यंत को हरियाणा को सौंप दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी। अब मैं आमंत्रित करती हूं अपने बड़े भाई बलदेव सिंह अलावलपुर जी को। आज के इस हरी चुंडी चौपाल में माताओं बहनों की, युवा साथियों की, दुष्यंत जी की ताकत बनकर हमें आशीर्वाद देने हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूजनीय नैना चौटाला जी, मंच आसीन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय बड़ी बहन शीला बयान जी, मंच पर विराजमान पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर राजाराम जी, मंच का संचालन कर रही बहन शशि बाला जी, हमारे महिला की अध्यक्ष बड़ी बहन चित्रा नैन जी, लता भारद्वाज जी, और मंच पर हमारे कार्यक्रम के प्रभारी बड़े भाई लतानी जी, मेरी पार्टी के एक से एक बढ़कर सभी जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता साथियों, मैं आपके केवल दो मिनट लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से पूज्य नैना चौटाला जी का हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ के साथ मेरी मातृशक्ति मेरी बहने इतनी भारी तादाद में मेरे अजीज दुष्यंत चौटाला जी को आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं आप माता और बहनों का नतमस्तक आने पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। माँ के अंदर वो शक्ति है, माँ नैना चौटाला जी ने भाई दुष्यंत जी को आपकी लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है, हर माँ की, हर इस हरियाणा प्रदेश के एक एक बच्चे की, हर किसान की कमरे की लड़ाई लड़ने के लिए आपको भेजा है। तो जिस तरह से उन्होंने आपके बीच में भाई दुष्यंत जी को भेजा है, आप मेरी माता बहनों का फर्ज बनता है, आप उनकी ताकत बनकर उन्हें आशीर्वाद दो, जिससे वो आपकी ताकत बने, वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आप सबकी समस्याओं का समाधान हो। और मैं एक और आपके बीच में एक बात और कहना चाहूंगा, आपके बीच में वो लोग भी आएंगे, वो छलावा करने आपके बीच में आएंगे, जो आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले कभी समाजवादी की बात करते थे, कभी किसानों की बात करते थे, कभी हर वर्ग की आवाज उठाने की बात करते थे, आज क्या हालत है हरियाणा प्रदेश का, आज ये फरीदाबाद समाजवादी नहीं क्रांति बना हुआ है, आए दिन अपहरण होते हैं, आए दिन बलात्कार होते हैं, आपने देखा होगा पीछे अभी चार पांच दिन के अंदर लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जो इस समाजवादी के अंदर डेली मर्डर हो रहे हैं, तो कैसी समाज थी ये आपको देखना है, इन सारी बातों का जवाब देना है। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं दुष्यंत जी की सोच आपको बताना चाहता हूं, दुष्यंत जी की सोच है रोजगार मेरा अधिकार, रोजगार मेरा अधिकार, जेजेपी की हो सरकार युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवा भटक रहा है और इसी तरह युवा भटक रहा है तो क्राइम करेगा। मैं तो आपसे एक ही विनती करने आया हूं,
दुष्यंत जी आपके बीच में आते हैं, दुष्यंत जी आपके बीच में माताओं बहनों की 55 साल की उम्र में पेंशन देने का काम करेंगे, बुजुर्गों को 58 साल की उम्र में पेंशन देने का काम करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ये भाजपा वाले आपके बीच में आएंगे, ये आपसे कहेंगे किस तरह करेगा ये दुष्यंत चौटाला आज हमारी सरकार है। मैं आपको अनुरोध कराना चाहता हूँ वादा, इसी तरह जननायक चौधरी देवलाल जी आपके बीच में आते थे, वो आपके बीच में कहते थे जो बंसीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक माताओं बहनों किसानों मेरे हरियाणा प्रदेश के साथियों, मुझे एक बार सरकार सत्ता का मौका दो, मैं आपके बुजुर्गों की सम्मान से पेंशन देने का काम करूंगा, किसानों के कर्जे माफ करने का काम करूंगा। बंसीलाल जी ने कहा था ये देवीलाल बावला हो रहा है, अगर इस तरह का कानून होता तो मैं आपके बीच में सारी सुविधाएं आपके बीच में करता। आपके आशीर्वाद से जननायक चौधरी देवलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले आपके बीच में कानून बनाया बुजुर्गों के लिए सम्मान पेंशन और किसानों के कर्जे माफ, नीचे लिख दिया चौधरी देवीलाल। इसी तर्ज में चौधरी देवीलाल जी के सपने को साकार करते हुए हमारा भाई दुष्यंत चौटाला जी आपकी ताकत बनकर आपकी हर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं एक ही निवेदन करूंगा अपनी माताओं बहनों से, आपके आशीर्वाद में तो वो ताकत होती है, आपके प्यार में तो वो ताकत होती है, आप अपना आशीर्वाद दुष्यंत जी को दो जिससे वो ताकत बने। मैंने तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा, मेरी माँ की ताकत के सहारे आपके बीच में हाथ खड़ा हूँ, तो मैं यह निवेदन करूंगा इसी तरह मैंने चुनाव कर लीजिए आशीर्वाद दिया दुष्यंत जी को, आप मात शक्ति ताकत बनकर भाई दुष्यंत चौटाला जी को आशीर्वाद दे। हमारी चाबी का निशान है, चाबी के निशान पर मोहर लगाकर दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, आप सबकी समस्याओं का समाधान होगा। पुनः मैं अपनी माता नैना चौटाला जी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और पुनः माता शक्ति को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे कोरटिया पाल के प्रधान चौधरी विजेंद्र सिंह जी और सारे सरदार हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका भी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा बहन शशिबाला तेवतिया जी से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर और पूर्व में प्रत्याशी रही, कि वो भी आए और अपने विचार रखें। नारी जनों की दुर्दशा मुझसे कही जाती नहीं, लज्जा बचाने को जो वस्त्र भी पाती नहीं, जननी पड़ी है और शिशु उसके हृदय पर मुख धरे, देखा गया है किंतु वे माँ पुत्र दोनों है मरे। परम श्रद्धेया नारियों के दिलों पर राज करने वाली और विधानसभा के अंदर हमारी लड़ाई लड़ने वाली श्रीमती नैना चौटाला जी, उनके साथ आई हम सबकी ताकत और हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती शीला बहन जी, लता भारद्वाज जी और यहाँ पर बहन मेरी चित्रा जी, जिले के अध्यक्ष ठाकुर राजाराम जी और हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी और पार्टी को अपना जीवन दान देने वाले मेरे बड़े भाई राजेंद्र लितानी जी, यहाँ पार्टी की रीढ़ की हड्डी सभी करिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, मैं धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से श्रीमती नैना चौटाला जी का, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले पूरे हरियाणा में इस पृथला विधानसभा को महिलाओं की हरी चुनरी चौपाल के लिए चुना। माताओं, मात्र 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव की घंटी बजने वाली है और जो ही चुनाव की घंटी बजेगी इस मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक आपके बीच पर आएंगे। मैं कहना चाहूंगी कि आप उनसे 5 साल का हिसाब चुकता करना और उनको अपने गांव में घुसने भी मत देना। जो शहीदों के नाम पर सत्ता में आई ये मोदी सरकार, मैं आपका ध्यान अतीत में लेना चाहूंगी कि जब तक पुलवामा नहीं हुआ था इस देश की समूची मातृशक्ति युवा पानी पी पी करके इस मोदी सरकार को कोस रहे थे।
काले धन के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, 15 लाख रुपए के ऊपर, मगर एक ऐसा पुलवामा हुआ और उस पुलवामा के बाद ये हमारी माताएं भावरों में बह गई। जबकि इन जिन शहीदों के नाम पर ये आई, मैं ज्यादा दूर नहीं आपका ध्यान अटाली गांव की तरफ खींच कर ले जाऊंगी, जो आपका पड़ोसी गांव है। उस पड़ोसी गांव के 21 साल के संदीप ने उस पुलवामा के अंदर अपनी जान गंवाई थी और मुझे बड़ा दर्द हो रहा है कि आज उस संदीप की पत्नी और उसकी माँ दर दर की ठोकर खा रही है। इस मोदी सरकार ने मैं एक भी पैसा नहीं दिया। यहाँ बैठे हैं सम्मानित पत्रकार साथी, मेरी बात को नोट कर लें। दर दर की ठोकर खा रही है, कहाँ ये शहीदों की हितैषी रही है। मैं कहती हूँ कि ये 2 महीने बाद जो टाइम आ रहा है, मेरी माताओं, आप दुष्यंत चौटाला को इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना हृदय परिवर्तन कर लो और एक एक वोट चाबी के निशान पर लगा करके भाई दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। उस दुष्यंत चौटाला जी को जननायक चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप कहा जाता है। हम कहते हैं कि आया आया दूजा देवीलाल आया, वो ऐसे ही नहीं कहा गया, वो आत्मा का शब्द है। हम जितने भी यहाँ पार्टी के नेतागण बैठे हैं, आप किसी को भी अपने साथ लेकर के ना जाएं, कोई भी सीधे दुष्यंत के पास चले जाएं, तुरंत आपका काम करके देगा। वो इतना सरल है, उसने हरियाणा का नाम समूचे हिंदुस्तान में रोशन करवाया है और उसने कहा है कि मेरी रगों में जननायक चौधरी देवीलाल जी का खून है, आप मुझे एक मौका तो दे। ये 75 पार ये बीजेपी की सरकार कर रही है, मैं 75% युवाओं को रोजगार दूंगा और सबसे पहले दूंगा। इसलिए हमें अपना हृदय परिवर्तन कहें और मैं कहना चाहूंगी कि ठगे मत जाना, अब की बार उखाड़ फेंको भाजपा सरकार। और मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि हमारे पुरुष भाई बैठे हैं, ये हमें कहकर भेजते हैं कि फलाने का बटन दबाना, वो वाला बटन दबाना। मेरी माताओं से मैं कह रही हूँ, अब की बार इन भाइयों से कहना, अपने देवर जेर से कहना, अपने पतियों से कहना, जाओ और दुष्यंत का बटन दबा करके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के आओ। और दुष्यंत चौटाला जी हमारा ही भला कर सकते हैं। पिछले बताया बलदेव भाई ने, पिछले 5 दिन के अंदर मोहना के लड़के गोली मारी, हीरापुर के लड़के गोली मारी, फरीदाबाद के लड़के गोली मारी। इतना क्राइम इस बीजेपी की सरकार में फैल गया है। इसलिए मैंने 26 साल इस पार्टी को दिए हैं और आज तक टक्की लगाए हम दुष्यंत से उम्मीद लेकर के बैठे हैं। मैं आपकी बहन बेटी होने के नाते हृदय पर हाथ रख करके अपना चुन्नी का पल्लू फैला करके एक पैर से खड़े होकर के दुष्यंत के लिए एक एक वोट की मैं भीख मांग रही हूँ। आप चूक मत जाना, बहकाए में आ मत जाना, एक एक वोट चाबी के निशान पर लगा करके भाई दुष्यंत को इस बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जिस पुलवामा के ऊपर ये बीजेपी अपना गुणगान कर रही है, अगर दीघोट के अंदर वो शहीद पैदा हुआ तो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, अटाली वाला हुआ तो अपनी माँ का 21 साल का बेटा था। इस दुनिया से बेटा जाने का दम केवल माँ जान सकती है या बहन जान सकती है, क्योंकि मैंने तो अपने इकलौते भाई को खोया, अपनी माँ को भी खोया है। हमें अपना किसी के बहकाए में नहीं आना है। हम आज जो यहाँ मातृशक्ति बैठी है, यहाँ से प्रण लेके जाएं और जब प्रण लेके जाएंगे, हृदय परिवर्तन होगा तो सत्ता परिवर्तन भी होगा और दुष्यंत चौटाला जी हमारे सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ अपने जिले के जिलाध्यक्ष बड़े भाई ठाकुर राजाराम जी को। आदरणीय मान और सम्मान के योग मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे बड़े भाई अजय सिंह चौटाला जी की धर्मपत्नी, हमारी पार्टी की
हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की प्रेरणा स्रोत डब्बाली से बधाई का आदरणीय नैना चौटाला जी साथ में आए, हमारी पार्टी के प्रदेश की अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन शीला बयान जी, हमारे पंचायती राज के अध्यक्ष एवं महिला हरिचंदी चौपाल के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी मेरे बड़े भाई राजेंद्र लतानी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई बलदेव सिंह जी, मेरे छोटी बहन शशि बाला जी, हमारे शहरी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अरविंद सरदाना जी, प्रदेश के प्रवक्ता मेरे भाई भारद्वाज जी, शहरी प्रधान युवा लखन बेनीवाल जी, ग्रामीण प्रधान मेरे भाई अमरलाल जी, सभी हल्का अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहना गांव के सारी सरदारी, सारे आसपास के लोग, सारे प्रतिला क्षेत्र, सारे फरीदाबाद जिले से सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। फरीदाबाद जिले की तरफ से मेरे छोटे भाई बलदेव जी ने सारा विस्तार से बताया इस निकम्मी सरकार के बारे में। मैं पुनः एक बार फिर आदरणीय नैना चौटाला जी का फरीदाबाद आने पर आप सबकी तरफ से कोटि कोटि उनका धन्यवाद करता हूँ। जय जय भारत, जय जय बीजेपी, जय जय पार्टी। अब ये प्रोग्राम अपने अंतिम चरण है, केवल तीनों को बोलना जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं अब प्रोग्राम के समापन की ओर जाती हुई इसी मोहना गांव जो ऐतिहासिक गांव है, मैं इस मोहना गांव के सरपंच दानी सरपंच से अनुरोध करूंगी कि वो और यहाँ आए हुए का सबका धन्यवाद करें। बस इसके बाद हमारी मुख्य अतिथि जी बोलेंगे, बहन शीला जी बोलेंगी। इतनी देर का योगदान और दे दो, आज का नाम तो हमारे दिन कर लो। आप आते हैं जिस भाव से, आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, उसी भाव से आते हैं दर्शन दिए श्री मां। ये मोहना बस्ती पिथले के 104 गांव इस विधानसभा क्षेत्र के 104 गांवों की तरफ से बहेंगी। आपका ये छोटा सा भाई दिल की गहराइयों से गांव मोहना पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आपको समय बहुत कम है, मैं देख रहा हूं वहीं से बैठा बैठा लाइन में कि सबके कुर्ता खींचे जा रहे हैं। मैं थोड़ो 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 भैया, जो लीडर कोई बने तो आप मौका तो बड़े लीडर के आगे ही दिए जाए, और लीडर बनाना और बनना इस पार्टी का ध्येय है। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाऊं, यदि आप इजाजत दे दें। जल्दी में बहुत कही चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी अक्सर ऐसी भीड़ में जब आया करते थे तो आकर के माइक लूट लिया करते थे, और वो कहते थे सब बहन भाइयों को राम राम। और जब कहते भाइयों काफी देर से बैठे होंगे, थक गए होंगे, वन हाँ जी वन, तो भाई मैं भी काफी दूर से आ रहा हूं, मैं भी थक गया हूं, कहो तो आधा घंटा बैठ लियो। तो जनता उन्हें इजाजत दिया करती थी, और उतने बड़े भाव के आदमी थे, जनता का दिल जीतने के लिए उनसे परमिशन लेकर बैठ जाया करते थे, और जो हमारे नेता होते थे उस आधा पौना घंटे में सब बोल लिया करते थे। इसलिए बहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा समय दिया। और भाई धन्यवाद शशि देवतिया जी आपका भी, क्योंकि शशि देवतिया जी ने भी ये महिला, क्योंकि बहन जी अभी आप काफी कह रही हो, जोर लगा रही हो कि भाई महिला काफी आगे हैं, पर शहरन में बहुत आगे हैं, गांव में भी काफी पीछे हैं। क्या पीछे है कि भाई माँ बाप बहन बेटी है, छोटी छात्री है, माता न फिर भी नहीं कह ज्यादा बड़ी पाम मत निकाला हिसाब सही रहे। फिर भी ये बेचारी शशि की मेहनत पे, बलदेव की मेहनत पे ये जिस हिसाब से यहां आई है, भाई हम तो महिलाओं का योगदान इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मान रहे हैं। और जब युवा शक्ति के साथ मातृशक्ति लग जाए, परमात्मा श्री राम के साथ देवी मैया ने पूरी शक्ति भर दी, और रामन जैसे योद्धा भी मार दिए जिनको कोई मारन आ रहा हो, जिन्हें काल भी ना मार सके। इसलिए बहन जी, माताओं बहनों, आपसे एक अपील जरूर करेंगे,
सरकार तो बहन जी आपकी आ गई, सरकार तो आपकी आ गई थी। आज से जब ये विरोध पार्टी में नहीं बना था, एक आवाज हरियाणा के अंदर लग गई थी कि अब सुभाष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की दुष्यंत की सरकार आएगी। ये मुख्यमंत्री की लड़ाई के पीछे पारिवारिक विवाद के कारण हम आंसू लिए खूब बड़ा बड़ा कार्य करता, हम बिल्कुल दुखी है, परंतु हम दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद करते हैं। सही वक्त पर सही डंगा मार दिया। और ये जनता जो बैठी है, ये जो जनता बैठी है, किसी के बहकाए की नहीं है, ये बीजेपी सरकार में इस तरीके से लोग ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विपक्ष में लोग डराए जाते हैं, उनके केस बनाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर इंक्वायरी बनाई जाती है, इस बात को छोटी बात में समझना, क्योंकि स्टेज पर बोलने से पहले ना उस बात के पास फोन भी आ जाते हैं, इसलिए मन मेरा भी ज्यादा बोलने का ना बहन जी, कहीं ना कहीं मैं भी छोटो मोटो सरकार उठा रही हूँ, कहीं वो भी ना लपेट में। एक बार बार कहेंगे भाई टाइम हो तो बोल दो राजा राम जी, आप अध्यक्ष जिले के भाई, एक बात और बता दें, यू दुष्यंत चौटाला हमने कभी दो दो बार बात करी ना, क्योंकि हम यह पार्टी के सिपाही भी ना रहे हैं, सिपाही ना रहे हैं, और हम तो भैया दूसरी पार्टी में ही काम कर रहे हैं, और यू टेक चंद शर्मा हम नहीं जिताया इलाके के लोगों ने पता, परंतु याद गद्दार आदमी याद भ्रष्ट आदमी यो कह रहा सरकारी नौकरी में तो बात ना बनेगी धोनी, पर या प्राइवेट फैक्ट्री में तेरे को मैं कर दूंगा, ये जो छोड़ा छापरे डोल रहे हैं इन्हें संबंध में लगा दूंगा। मैंने भाई दादा तेरी मर्जी इनमें लगा दी, जो सरकारी नो मिले तो अरे जब तो हाथे आ गए एक छोरा जल को हाथे बैठा दियो मेरे बात मिले, एक छोरा बैठो जब तो हाथे आ गए बेचारा मेरे बताओ ना इलेक्शन में मिलो नहीं हो। चलो जी मैं तो ना कहूं जब तो हाथे बैठे हैं दो तीन जने जो गए वो पंडे जो ऊपर बात मिल ली जो, अरे जब भाई से मिलने तो चुनाव लड़ा रहे तू टैक्स परेशान हो पंडित जी बिडू बी ते ला के बहन जी पितरे में मिल बना दिया जनता नहीं इतनी बढ़िया जनता। और शशि न तेरे रागरी न या बलदेव के रागरी न काई के रागरी तो मैं तो देगी जनता पूरो, पर तम भी सुन लीजिए दो बात तैयार नहीं अभी कह दी सब रहने के नहीं है, क्योंकि बहन जी अक्सर मैं पार्टी में देख रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी पार्टी में बिलोंग कर रहा हूं, अभी नगाम के नाते बनवा लिया हूं, अक्सर मैं जो देखू हूं तैयारी पार्टी में जाए टिकट मिले है ना और जाए ना मिले तो पीछे पीछे नहीं होके मैं देख लियो जो तैयार मना कर याद था छोड़ दो तुम तो जीते पर हो कभी जीत लो चुनाव, अरे चौधरी देवी राम तुमने देखा होगा जल्दी एमएलए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाया था इंदिरा गांधी ने, भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया था, मुझे आज किसी बात याद है या लोग रहे हो यो जो डबचिक वबचिक का आगे है जो पार्टन में बन रही है जो सरकारी संस्था है वहां में बना दिया भजनलाल एमएलए सब देवी राम की गए। अच्छा चलो आप तो आप पूरी तो कर लेते हो, चल यार पूरी कर लेते भैया जनता कह रही है मैं तारीफ ना मानूंगा अगर मैडम गए तो मैं बैठ भी जाऊंगा। अरे ऐसा जी जब चौधरी देवी राम नहीं बनाया था ना एमएलए ने भजनलाल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया था बेईमानी से, जब चौधरी देवी राम ने मात्र सात आदमी से संघर्ष कर जाता ये तो 7000 आदमी बैठे हैं, 7000 आदमी के लिए हरियाणा पलटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बहन 10 बहनों को वोट सकती है, एक कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ताओं को वोट सकता है, चौधरी देवीलाल अगले चुनाव में 85 एमएलए लेकर आए, इन्हें बहुत भ्रष्टाचार करे हैं बहुत बेईमानी मचाई है, 85 एमएलए चौधरी देवीलाल करा था भाई जनता बड़ी न्यायकारी है, कांग्रेस वालों ने 5 मांगे थे भाई 5 दे दिए 85 हमें दे दिए, तो चौधरी देवीलाल को इस तरह कार्यकर्ता का मान बढ़ाया करते थे, इसलिए साथियों बहन जी हम तो विश्वास दिलाते हैं मोहना आपको कट रहे हो है। तेरे दादा ससुरे को भी कट रहे हो है। तेरे बुड्ढे को भी कट रहे हो है। ये तो तैयारी कर तो ही आयो है बस टिकट जमजोर जनता को ध्यान रखियो और टिकट बंटवारे में कोई छोटी मोटी गलती न है या जा चारो मन करे जा कार्यकर्ता के है तह दिल से दो और ये जनता तो छुटा के भेज जाएगी। जय हिंद जय भारत। सरपंच साहब प्रण लेके जाओ दुष्यंत जी को आशीर्वाद देने के लिए यही रहो गड़के प्रण लेके जाओ मातृशक्ति के सामने प्रण लेके जाओ कि अगली बार दुष्यंत जी की ताकत बनेंगे माओ के सामने आशीर्वाद दे।
अब की बार हमारे साथ रहोगे। भैया ये गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से पूरा आशीर्वाद है, जो आपके टिकट देकर भेजेगी नैना चौटाला, बाकी दिल खोल के मदद करेंगे, तहे दिल से मदद करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारी महिला की जिला कार्यकारिणी जी पहले स्वागत के लिए आ जाएं चुनरी जी के द्वारा। बस अब तो 10 मिनट की बात रहेगी। श्रीमती रेखा अत्री जी, किरण फौजन जी और कमलेश जी, सरोज जी, शारदा जी और सुक्कन थानेदार जी, रमेश जी आए और हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सुरेश अत्री जी, सुरेश अत्री जी, किरण फौजी जी, धर्मवीर नेता जी, सुक्कन थानेदार जी, रमेश जी, इनकी धर्मपत्नी आ जाओ और हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जल्द जल्दी आ जाओ। मंच तोड़ेंगे ये लोग, हम क्या करें? हो गया वो, लग गया। किसका बोले, किसका बोले? अब शॉल से भी तो स्वागत करना दोनों बोले जल्दी, तो ये बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ। अब शॉल के द्वारा इनका स्वागत करें हमारी मुख्य अतिथि जी का। अब जो ये माताएं जा रही है ना, वो रह के देख लो कहाँ की ओर जा रहा है। देखो हमें चाबी को बटन दबाकर, चाबी को बटन दबाया गो, चाबी है, चाबी तो कितनी बड़ी दीजो, या चाबी को बटन दबाकर हम अपनी लियो शीला बहन जी को सत्ता की चाबी और नैना जी को सत्ता की चाबी दी जा रही है। अब जिला कार्यकारिणी की तरफ से, हाँ मैं बस, जिला कार्यकारिणी की तरफ से माननीय माता नैना चौटाला जी का स्वागत किया जाएगा शॉल भेंट करके। हाँ शॉल से वो मैं अनुरोध करूंगा राजेंद्र लितानी जी से कि वो ऊपर आ जाएं, उनका भी स्वागत होगा जिला कार्यकारिणी की तरफ से शॉल भेंट करके। अब मैं युवा एनएलओ के कार्यकर्ताओं से अनुरोध, युवा जेजेपी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो ऊपर आ जाए और बुके के द्वारा स्वागत करें। श्रीमती शीला बहन जी, परम आदरणीय हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को जोड़ने का काम किया। जब जब भी महिलाओं की बात आई, विधानसभा में उठा के समाधान कराने का काम किया। डबवाड़ी की विधायिका बहन नैना सिंह चौटाला जी, हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी माननीय किस पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र लिताणी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर राजा राम जी, महिला की जिला अध्यक्ष चित्रा नैन जी, बलदेव रावलपुर जी, पूर्व में पिछड़ा हल्के की प्रत्याशी रही एवं महिला प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य अरविंद सरदाना जी, अरविंद भारद्वाज जी, अमर सिंह दलाल जी, लखन बेनीवाल जी, सुरेंद्र अत्री जी, धर्मवीर तेवतिया जी, दुर्गावती जी, रावत जी, सरोज जी, वेदवती जी, मंच पे विराजमान जननायक जनता पार्टी के नेता गए, पूरे पिछड़े हल्के से कोने कोने से आए हैं। ये हरी चुनरी चौपाल में आई मेरी माँ सम्मानित माताओं बहनों, मैं थोड़ा सा समय लूंगी, मैं सभी माताओं बहनों से अपील और प्रार्थना करना चाहूंगी, जिस मकसद से आप यहाँ आए हैं,
नैना सिंह को सुनने के लिए आप आए हैं। आपसे अपील और प्रार्थना है, 5 मिनट देखने का कष्ट करें। मैं बधाई देना चाहूंगी पूरी टीम को जो हरी चुनरी की चौपाल में पूरी महिलाओं को पिछड़ा हल्के में आई। सभी का धन्यवाद स्वागत करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी नई पार्टी नया संगठन है और पूरे हरियाणा प्रदेश में एक लहर है कि दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, पूरा हरियाणा प्रदेश आपके साथ है। मैं सभी का धन्यवाद ज्यादा ना बोलती हूँ, फिर धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। अब मेरी गुजारिश है आज के इस कार्यक्रम के और मुख्य अतिथि जी नैना चौटाला जी आपके सम्मुख सारे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज रखेंगे। बहुत ही मान सम्मान के योग पिछला हल्के के मोड़ा गांव में आए हुए मेरे पिता तुले बुजुर्गों, भारी संख्या में आई हुई मेरी माता शक्ति, मेरी हम उम्र मेरी बहनें, मंच पर विराजमान श्री राजेंद्र लितानी जी, प्रभारी हरी चुनरी चौपाल श्रीमती शीला भ्यान जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती चित्रा नैन जी, महिला जिला अध्यक्ष शशि बाला तेवतिया जी, पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री बलदेव अलावपुर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जेजेपी ठाकुर राजा राम जी, जिला प्रधान अरविंद सरदाना जी, अरविंद भारद्वाज जी, अमर सिंह दलाल जी, लखन बेनीवाल जी, सुरेंद्र अत्री जी, धर्मवीर तेवतिया जी, दलबीर धनकर जी, दुर्गावती रावत जी, दयावती जी, सरोज जी, राजवती मोला जी, बेदवती चौधरी जी, तेजपाल डागर जी, पवन जाखड़ जी, सचिन कौशिक जी, जग्गी मेंबर संदीप कपासिया जी, अनिल भाटी जी, अनिल कुटेला जी, कुलदीप तेवतिया जी, अमर नरवत जी, आप लोग जननायक जनता पार्टी के मेरे कृष्ण और वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हैं और महिलाएं जो हैं वो सुबह घरों से 9 बजे निकलकर इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, तो मैं पूरी मातृ शक्ति का और जितने भी मेरे भाई आए मैं सबका धन्यवाद करूंगी। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि जितने भी मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला है सबने बहुत अच्छा और बहुत स्पष्टता से आप लोगों को समझाया है। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि लोकसभा का इलेक्शंस जो रिजल्ट आया है उसको देखकर आप लोग कतई निराश नहीं होना, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वहां राहुल गांधी और मोदी जी में से एक चेहरा चुनना था तो लोगों को मोदी जी मुझे लगता है ज्यादा राहुल जी से अच्छे लगे, तो उन्होंने स्पष्टता से 10 की 10 जो सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में डालने का काम किए। पर विधानसभा का इलेक्शन जो है वो सरकार के 5 साल के लेखा जोखा जो उन्होंने काम जो उन्होंने वादा किया था उसको ना करके आप लोगों के द्वार पे जब वोट मांगने के लिए आएगी तो मैं मातृ शक्ति से कहूंगी कि आप लोग उनसे अपना इंसाफ जरूर मांगना, क्योंकि 5 साल में इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे। जैसे इन्होंने नारी शक्ति के लिए कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज के दिन जब शिक्षा की बात आती है तो कहीं भी हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने ना कोई कॉलेज खोला, ना कोई स्कूल खोला, ना कोई फीस में ऐसा प्रावधान रखा जिससे हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके। अगर हम बात सुरक्षा की करें तो आज के दिन सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा जो है वो अपराध में नंबर 1 बनता जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन लूटपाट हो रही है, आए दिन एटीएम से पैसा निकाला जा रहा है। जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षित हरियाणा देंगे, मैं कहूंगी आज के दिन अगर सबसे असुरक्षित कोई प्रदेश है तो वो हरियाणा है। इस बीजेपी सरकार ने जाट और नॉन जाट जात पात का जहर जो घोला है वो 5 सालों में आज के दिन जात पात का जहर जो है वो चरम सीमा पर है। तो आप लोगों के पास
ये जो ढाई महीने का समय है, आज अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, क्योंकि अपनी पार्टी को बने हुए अभी 5 और 6 महीने हुए, अब हमारी पार्टी को ये तीसरा चुनाव चिन्ह मिला है। ये चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी का निशान है, और चाबी का निशान जो है, मैं सभी माता और बहनों और मेरे बड़े बुजुर्गों से कहूंगी कि ये धैर्य की निशानी है जो चाबी है, ये प्रगति की निशानी है जो चाबी है, क्योंकि जब एक ताले में जब हम चाबियों का गुच्छा लेके चलते हैं और जब चाबी नहीं लगती तो आखिरी चाबी तक हम उस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं, तो ये चाबी जो है ये विधानसभा इलेक्शंस में आपकी किस्मत का ताला खोलेगी। आप लोग एकजुट होकर जननायक जनता पार्टी के प्रचार के लिए, क्योंकि इलेक्शंस का समय जो है वो बहुत कम है, अपनी पार्टी जो है वो बिल्कुल नई नई है, तो मैं आए हुए सभी माता और बहनों से कहूंगी कि कल से आप पूरे पृथला हल्के में घर घर जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करें, चुनाव चिन्ह बताएं कि चाबी का जो है वो हमारा नया चुनाव चिन्ह है। आगे आप इस चीज का ध्यान रखना, जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, जैसे कि पेंशन के लिए महिलाएं जाकर घर घर बताएं कि अभी मौजूदा सरकार जो है वो 2000 रुपए पेंशन दे रही है, जननायक जनता पार्टी का राज आने पर हम 2000 से बढ़ाकर ये पेंशन जो है वो 3000 रुपए करने का काम करेंगे, और ये पेंशन की आयु सीमा जो है वो महिलाओं की 55 वर्ष और पुरुषों की जो है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। आप घर घर जाकर ये बताएं कि आज जो मौजूदा सरकार है उसने हर वर्ग पर कुठाराघात किया है, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हमारे नौजवान बच्चे हो, चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, तो आप ये बात जाकर बताएं कि जो शिक्षा का बीड़ा हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो उठाया था उसमें वो बिल्कुल नाकाम और फेल हो चुकी है, ये शिक्षा का बीड़ा जननायक जनता पार्टी का राज आने पर, आपका अपना चहेता मुख्यमंत्री बनने पर, ये शिक्षा जो बेटियों के लिए है, ये पहली कक्षा से लेकर, चाहे वो बेटी बीए करे, चाहे वो 10वीं करे, 12वीं करे, चाहे वो पीएचडी करे, ये शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी लड़कियों के लिए। और ये जो आज के दिन बीजेपी सरकार को लोगों से कोई मतलब नहीं है कि आज वो कहती है हमने नौकरी दी, हम लोग कहते हैं कि अगर आपने हरियाणा में 2 लाख लोगों को नौकरी दी हो तो आप अपना श्वेत पत्र जारी करो। इनका मकसद आज के दिन सिर्फ 75+ ये लोग लगे हुए हैं, इनको ये नहीं मालूम कि लोगों की बेसिक जरूरतें क्या है। हमारा जो जननायक जनता पार्टी का जो मकसद है वो 75+ सीट लाने का नहीं है, जननायक जनता पार्टी का आज के दिन मकसद है कि आपकी अपनी सरकार बनने पर, आपका मुख्यमंत्री बनने पर हम 75% बच्चों को रोजगार का साधन उपलब्ध करवाएंगे, हरियाणा में नौजवान बच्चियों को रोजगार देंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। जैसे किसानों की बात है, पहली कलम से जननायक जनता पार्टी का राज आने पर पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हर किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन फ्री देने का काम करेंगे। जहां जहां पलवल हल्के में, पिरथला में, या पानी की मुझे लगता है बहुत भयंकर समस्या है, पीने का पानी साफ नहीं है, तो जहां जहां पीने का पानी साफ नहीं मिलता वहां 6800 गांव में आरओ सिस्टम लगाकर स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे। और बहुत सारी घोषणाएं हैं जो घोषणा पत्र में डाली गई हैं, आप सबको घोषणा पत्र दिया जाएगा, आज एक फॉर्म जो है वो हर जिले को बांटे गए हैं, तो मैं माता और बहनों से कहूंगी कि आप अपने जिला प्रधान, हल्का प्रधान के साथ लगके उस फॉर्म को जो है वो घर घर पहुंचाने का काम करो, पार्टी की नीतियों को बताने का काम करो, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, हम चौधरी देवीलाल की हर वो नीति लेकर जाएंगे। जैसे दादाजी ने पेंशन जो थी वो 100 रुपए शुरू करी थी, आज वो पेंशन जो है वो जननायक जनता पार्टी का राज आने पर वो 3000 करने का काम करेंगे। तो मैं जितनी भी मेरी मातृशक्ति आई हुई है, जितने भी मेरे भाई आए हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता गण आए हुए हैं, मैं सबका यहाँ इकट्ठा होने पे बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, पूरे सम्मानित मंच का धन्यवाद करूंगी कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने जो
संयम बनाए रखा है, जो सुनने के लिए आप लोग बैठे हो, मैं मेरी पूरी मातृ शक्ति का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप सब आए और कल से प्रण कर जाओ आप जननायक जनता पार्टी के बहुत वफादार कार्यकर्ता हो कि कल से हर कार्यकर्ता, हर महिला, हर पुरुष जो है वो अपने साथ 10-10 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत कार्य करने का काम करेंगे और आगे आने वाले विधानसभा में इसी चाबी से आपको जो भी टिकट देकर जो भी कैंडिडेट बैठा जाए उसकी किस्मत का ताला वोट डालकर खोलने का काम करोगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।